नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है पाठ्यक्रम के उद्देश्य प्राप्ति हेतु विद्यालय में की जाने वाली क्रियाएं। तो ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति करें। आपको पता है कि पाठ्यक्रम जो बनाया जाता है उसके पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण आपके उद्देश्य होते हैं और उनको पूरा करना जो होता है वो विद्यालय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसमें शिक्षक और बाकी जो होते हैं सबका सहभाग होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी आपकी चीज़ें हैं जो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति कराने में सहायक होती हैं। पहला आपका है कि जो क्रियाएं हों वो जीवन से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पाठ्य पुस्तकों तक ही हम रुक जाएं, जो हम क्रियाएं करें वहाँ पे वो जीवन से संबंधित। दूसरा क्या है, उपयोगितावादी होना चाहिए। मतलब जो चीज़ें, जो क्रियाकलाप हों वो उपयोगी हों उनके लिए, जो भावी जीवन की समस्याओं के समाधान में सक्षम हों, या कह सके तो उनके जीवन को और सरल बनाएं और उपयोगी रूप से कार्य करें उनके मस्तिष्क में। फिर आप देखेंगे तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इधर उधर कुछ भी क्रियाकलाप करा दें। यहाँ पे जो भी आप क्रियाकलाप कराएंगे वो आपके शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप होते। फिर चौथा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित से जो तात्पर्य होता है आपका, ये होता है कि थोड़ी शिक्षा ही बाल केंद्रित है, तो जो क्रियाकलाप है वो भी बाल केंद्रित हो, बालक के रुचि के अनुरूप हो, कोई किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक शोषण ना हो उनका, उन्हें आनंद की अनुभूति हो और उनके जीवन को एक लक्ष्य की प्राप्ति हो। इसे कहेंगे बाल केंद्रित शिक्षा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो अगला पॉइंट है, क्रियाएं कैसी होनी चाहिए, तो रचनात्मक या सृजनात्मक शक्ति का उपयोग उसमें करना चाहिए। कि ऐसी चीज़ें नहीं कि थोप दो, बता दो, उनके दिमाग में रटा दो, ऐसा नहीं। ऐसी चीज़ें कि क्रिएटिव एनवायरनमेंट आपका होना चाहिए जो उनकी रचनात्मकता या सृजनात्मकता शक्ति का उपयोग करा सके। मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम दीजिए और वो उसको सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है आपका खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध। जो कार्य करता है और जो गेमिंग है, दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है, मतलब गेमिंग सिर्फ गेम ना हो, उसके अंदर खेल की भावना, सहयोग की भावना, आत्मीयता का भावना, टीम भावना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन दोनों के बीच में अंतर संबंध संबंधित। फिर संस्कृति सभ्यता से रिलेटेड होना चाहिए। कि जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आप कराते हैं, जब कोई फंक्शन होता है तो सरस्वती वंदना, आपका स्वागत क्यों कराया जाता है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को जान सकें और उसका उसकी महत्ता को हम समझ सकें और बालक के अंदर उसको समावेशित कर सकें। फिर है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुरूप वो क्रियाएं होनी चाहिए। कि सबको नहीं दौड़ा ही दो, जो जिसकी जो कैपेसिटी है उसको ध्यान में हमको देखना है, जो उनकी विभिन्नता है उसको ध्यान में रखना है। फिर लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं जो फिक्स कर दिया, नहीं यही रूटीन है भाई, हमेशा उसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी हो, हम उसको और मॉडिफाई कर सके, या अगर ज़्यादा हो रहा है तो कठोर है तो कम कर सके। तो इस प्रकार से अग्रदर्शिता, मतलब आगे की ओर देखना, ऐसा आपका क्रियाकलाप हो जो भविष्य के लिए उपयोगी हो, इसी कहेंगे अग्रदर्शिता। आगे के भविष्य को देखते हुए वो क्रियाकलाप होना चाहिए। अनुभव केंद्रित होना चाहिए, मतलब वो एक्सपीरियंस कर सके, सिर्फ सुने नहीं देखे नहीं, वो खुद उन क्रियाओं को एक्सपीरियंस कर सके बालक, और ज़्यादा स्थायी ज्ञान उसमें वो ले सके। इसके अलावा उत्तम आचरण उसमें होना चाहिए, क्योंकि आचरण जो आपके चारित्रिक और नैतिक विकास उससे रिलेटेड है, और जो क्रियाएं हो वो भी उत्तम आचरण की हो। जैसे ड्रेस में रहने की बात आप कह दें, या आप कहेंगे कि कहीं बाहर जाना है तो पूछ के जाओ, इस प्रकार से जो आपकी क्रियाएं होती हैं उनकी बात यहाँ पे करी जाती है। इसके अलावा जो है आपका ये विकास की सतत प्रक्रिया होनी चाहिए उसके अंदर। तो ना ऐसे आपकी क्रियाकलाप सिर्फ एक विकास ना हो, या जैसे शारीरिक विकास कर रहे हैं या मानसिक विकास, कई प्रकार के विकास हो। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो विकास की सतत प्रक्रिया की बात की जाए तो लगातार विकास चलता रहे, ऐसा न कि रुक जाए। फिर है सामुदायिक जीवन से रिलेटेड होना चाहिए। तो हम जो विद्यालय समाज का लघु रूप जो जॉन डेवी ने कहा था उसको ध्यान में रख के विद्यालय की हर क्रियाकलाप को सामुदायिक जीवन से जुड़ना चाहिए। इसके अलावा देखें तो विद्यालय की और कौन सी क्रियाएँ हैं जो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक होती हैं। तो देखा जाए तो अवकाश का सदुपयोग ही बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब सारी चीज़ें जो हमारी फॉरेन से आई हैं अब यहाँ भी यूज़ करने लगे, क्योंकि अवकाश के समय जो जैसे गर्मी की छुट्टियाँ हों या शीतकालीन छुट्टियाँ हों, तो उसमें हम कोई प्रोजेक्ट दें या क्राफ्ट बनवाएं या कुछ ऐसा कि उसका उपयोग करें, बालक उस समय भी सीखे। जनतांत्रिक भावना, मतलब राष्ट्रीयता की भावना उनकी हो, जनतांत्रिक भावना उनके अंदर डेवलप हो, ऐसे क्रियाकलाप होना चाहिए। सहसंबंधात्मक हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ जैसे कि कोई एक कार्य कर रहा है दूसरा उससे रिलेट ना कर रहा है। साइंस पढ़ा तो भाई ज्योग्राफी से भी उसको रिलेट करें, तो वैसे जो क्रियाएं करें उनको भी आपस में सहसंबंधित करें। उसमें कौतूहल, यथार्थता, सामान्यीकरण अवश्य होना चाहिए। कि
बालक सिर्फ एक कृत्रिम वातावरण में न रह के उस ज्ञान को बाहर की दुनिया से जोड़ भी सके, उसकी सत्यता भी बता सके और अन्य परिस्थितियों में भी उसको सामान्यकृत कर सके। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की भी बात होनी चाहिए विद्यालयों में, क्योंकि जो ऐसी क्रियाकलाप जो अंतर्राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित करते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो आपका सिद्धांत है उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करके बालक के अंदर ये सारे गुण लाते हैं। इसके अलावा मानवीय मूल्य और कल्याण की भावना होनी चाहिए। मानवीय मूल्य मतलब मानवतावादी यहाँ पे दर्शन की बात करी गई है, तो जीव जंतु सिर्फ मानव नहीं, सिर्फ अन्य जीव जंतु पेड़ पौधों के प्रति भी संवेदनशीलता और भी दया की भावना, करुणा की भावना, ये सारी परानुभूति, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आवश्यकता पूर्ति के अनुसार भी क्रिया होनी चाहिए कि अगर किसी की विशिष्ट आवश्यकता है तो उसकी भी पूर्ति की जानी चाहिए। राष्ट्रीय एकीकरण की भावनाओं की नहीं कि आप जात पात क्षेत्रवाद ये सब उसमें करें, यहाँ पे राष्ट्रीय एकीकरण होना चाहिए। भविष्य आधारित वो क्रियाएँ होनी चाहिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्रियाकलाप कराया जाए वो भविष्य आधारित हो। और साथ ही साथ यहाँ पे सब बहुत इंपॉर्टेंट है व्यवसायीकरण, क्योंकि आप उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं बालक को, तो ऐसे भी क्रियाकलाप कराए जाएँ जो उनकी व्यवसायिक क्षमता को बढ़ाएं और बाद में वो खुद से इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी क्रियाएं विद्यालय की जो पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति कराती है। इसके अलावा भी अन्य क्रियाएं हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, जिस प्रकार से ऑप्शन होंगे आप एनालिसिस करके सारी चीज़ें आप जानते हैं। बस एक रिमाइंड करने के लिए आपको इसको पॉइंट वाइज किया गया है।